मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल सीट है विदिशा, जहां से छठी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से हैं शिवराज सिंह चौहान, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है और ऐसे में नामांकन फॉर्म भरना है। तमाम ये कार्यकर्ता आए हुए, आप देख सकते हैं किस तरह से ऐतिहासिक आदिवासी लोग भी है और हमारे साथ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष है जसपाल अरोड़ा। जसपाल जी, क्या लग रहा है इस बार माहौल? अभूतपूर्व ऐतिहासिक विजय होगी, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से विजय होगी। 10 लाख सुपर मतों से शिवराज सिंह चौहान जीतेंगे। जन जन के नेता है, जन जन के नायक है। लाडली बहन हो, भाई हो, नौजवान हो, किसान हो, सब शिवराज सिंह चौहान के साथ है। टोटल ऐतिहासिक विजय होगी। क्या इस बार क्या लग रहा है, मोदी जो मोदी की गारंटी है उसको लेकर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है? सबकी गारंटी, मोदी जी की भी है, शिवराज जी की भी है, मध्य प्रदेश सरकार भी है, केंद्र सरकार भी है और एक तरफा माहौल है, कहीं कोई टक्कर नहीं है। सीधा चुनाव पूरा एक तरफा, जनता से लड़ रही है, शिवराज जी को जाने की जरूरत नहीं है, क्षेत्र में पूरे जनता कवर। आप भी छावर से अध्यक्ष है और करण सिंह वर्मा लगातार सक्रिय है, क्या इस बार हमारे माननीय मंत्री जी करण सिंह जी वर्मा शिवराज जी के चुनाव प्रचार में पानी तूफान आज फार्म भर दिया गया है। विदिशा रायसेन में आकर माननीय करण सिंह जी वर्मा जी साथ में थे और आज कलेक्ट्रेट में आकर, आज मैं मानता हूँ कि जन सैलाब देख कर इतनी पब्लिक आई है कि हर बूथ के ऊपर से आई है और इच्छा और विधानसभा बहुत अच्छे मतदान से हम जिताएंगे। बहुत बहुत मैं शिवराज जी को बधाई। शिवराज भैया जिंदाबाद। 9 लाख से जीतेंगे, 9 लाख से ऊपर, 9 लाख से जीतेंगे शिवराज भैया। ऐसा लाडली बहना योजना भैया की बहुत सारी योजनाएं हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज जी जैसा कोई नेता नहीं है ना रहेगा। क्या माहौल लग रहा है? आपने एक नारा मामा जी का चल रहा है, आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है, तो वही अभी भी है, आंधी नहीं तूफान है और मामा जी का काफिला बता रहा है, है। उनकी पहचान है। 29 छिंदवाड़ा भी जीतेंगे इस बार। 29 की 29 मध्य प्रदेश में एक रिकॉर्ड टूटेगा पूरा मोदी जी की गोद में। 400 पार का जो नारा है वो सपना पूरा हमारे शिवराज जी मध्य प्रदेश से करेंगे। देख सकते तमाम भी कार्यकर्ता है, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान जो छठी बार वापस चुनाव लड़ रहा है और ये विदिशा वो हाई प्रोफाइल सीट है, यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज सहित तमाम बड़े दिग्गज नेता यहाँ से चुनाव लड़े हैं और लगातार परंपरा सीट है भारतीय जनता पार्टी की, जिससे शिवराज सिंह चौहान को छठी बार मैदान में उतारा गया है। कैमरामैन रवि के साथ रायसेन से एबीपी न्यूज के लिए नितिन ठाकुर।